देखिए अल्लू अर्जुन की इस फिल्म का नाम ना पेरू सूर्या ना इल्लू इंडिया है, जो बेसिकली तेलुगु भाषा की एक फिल्म है। इसे 4 मई 2018 को रिलीज किया गया था। हालांकि अब आप इसे हिंदी में भी देख सकते हो एंड इसका ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन का नाम सूर्या द सोल्जर है। शूटिंग का मैक्सिमम पार्ट हैदराबाद में हुआ था। इसके अलावा चेन्नई और नॉर्थ इंडिया के कुछ लोकेशंस पर भी इसे फिल्माया गया है। इसके अलावा मिलिट्री कैंप, बॉर्डर और इस तरह के अन्य सीन कश्मीर श्रीनगर के इलाकों में शूट किया था। वहीं एक छोटा सीक्वल जो है वह गोवा में शूटिंग करी गई। आपको इन सारे लोकेशंस के बिहाइंड द सीन मैं दिखाने जा रहा हूं, जिसे आप देखकर समझ पाओगे कि इस फिल्म की शूटिंग एक्चुअली हुई कैसे थी और क्या क्या अननोन फैक्ट्स हैं इसके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए इस मूवी में VFX एनिमेशन और ग्रीन बैकग्राउंड के आगे की शूटिंग नहीं है। मेरे कहने का मतलब जितना भी सीन आप इस मूवी में देखोगे वो रियल थे, रियल फाइटिंग सीक्वेंस ही थे वो सारे। फिल्म का यह सीन स्टार्टिंग का है जब मूवी में अल्लू अर्जुन की एंट्री दिखाई गई थी। ये लोकेशन हैदराबाद का है एंड इस सीन को एक्चुअली एक क्लब में ही शूट करा गया था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर अल्लू अर्जुन यानी सूर्या को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां उनके बीच का फाइटिंग सीक्वेंस हमें फिल्म में दिखाया गया था। यहाँ अल्लू अर्जुन कहता है कि वह लोगों को मारते वक्त गिनती कम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हैदराबाद के फिल्म सिटी का सीन है। एक्चुअली ये पुलिस स्टेशन रियल नहीं है, इसे एक स्टूडियो में शूट करा गया था। यहाँ आप जो फाइटिंग सीक्वेंस देख रहे हो इसकी प्रैक्टिस शूटिंग से पहले ही कर ली जाती है, जिससे कि शूटिंग के दौरान कम से कम समय लगे और जो शूटिंग हो एंड फाइटिंग सीक्वेंस हो वो पूरी फ्लो में हो। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर वकांथम वामसी जी हैं। उन्हें यहां पर आप निर्देशन देते हुए देख सकते हो। यह काफी मजे हुए डायरेक्टर हैं। उन्होंने उससे पहले टेम्पर और किक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई थी। फिल्म का यह बिहाइंड द सीन कश्मीर का है। इस जगह पर अल्लू अर्जुन की ट्रेनिंग होते हुए दिखाई गई थी। फिल्म की शूटिंग कश्मीर श्रीनगर के बहुत सारे लोकेशंस पर हुई है। फिल्म को रियलिस्टिक दिखाने के लिए LOC में भी शूटिंग करा गया था। जब इस फिल्म को उस लोकेशंस पर शूट करा गया था तब वहां का टेम्परेचर -12 degrees था, यानी कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में फिल्म के काफी सारे सीन शूट हुए थे, जिसमें आखिरी वाला सीन श्रीनगर के LOC के पास ही दिखाया गया था। इस जगह पर सूर्या को लेकर वर्षा अपने अंकल से मिलवाने लाती है। यहाँ कॉमेडी सीन है, इसे आप लोगों ने काफी इंजॉय भी किया होगा। यहाँ ये कलाकार अपने स्क्रिप्ट को याद करते हुए आपको दिख रहे हैं एंड इसे जो इस मूवमेंट था इसे रोलिंग कैमरा से शूट करा गया था। अनु एमानुअल इस फिल्म से तेलुगु डेब्यू करी है। वह मूल रूप से अमेरिका की रहने वाली है एंड वह काफी ब्यूटीफुल भी है। ना पेरू सूर्या या सूर्या द सोल्जर फिल्म के इस टनल वाले बिहाइंड द सीन के बारे में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप लोगों को यह वाला सीन इंटरवल के आसपास दिखाया गया था, जब मिलिट्री ऑफिसर यानी कि बोमन ईरानी सूर्या को अपने पिता का सिग्नेचर लेने भेजता है, लेकिन उनके पिता सिग्नेचर करने से मना करते हैं और उन्हें 21 days का चैलेंज देते हैं। इस दौरान उन्हें बिना मारपीट किए और गुस्सा किए रहना होता है। तो चैलेंज शुरू होने से एक दिन पहले का यह सीन है, जब सूर्या एक टनल से गुजर रहा होता है जहां गुंडे कुछ लोगों को टनल ब्लॉक करके पीट रहे होते हैं। तो यह फिल्म का सबसे हाईलाइट फाइटिंग सीक्वेंस है। मैं आपको बता दूं कि इस सीन को इम्तनान से शूट करा गया था, जिसके लिए फिल्म मेकर्स ने इसे हैदराबाद के फिल्म सिटी में ही तैयार किया। जी हाँ, यह जो सड़कें टनल वाला फाइटिंग सीक्वेंस यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यह एक्चुअली किसी सच के टनल में शूट नहीं हुआ था, बल्कि इस सीन को शूट करने के लिए डायरेक्टर साहब ने एक सुरंग जैसी दिखने वाली सेट तैयार करी थी और फिर इस वाले सीक्वेंस की शूटिंग इसी सेट के अंदर हुई थी। फिल्म के लीड विलन के तौर पर अनूप सिंह है, जो कि काफी हैंडसम और मस्कुलर है। वह इस फिल्म में छल्ला के बेटे का रोल प्ले करते हैं। तो यहीं पर अल्लू अर्जुन और उनकी पहली बार भिड़ंत होती है। शायद आपने इस शख्स को इस जगह नोटिस किया या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जो शख्स आपको यहाँ दिख रहा है उनका नाम पीटर हैन है। गूगल में बेस्ट एक्शन डायरेक्टर आप अगर सर्च करोगे तो केवल इनका ही नाम आएगा आपको देखने में।
इन्होंने बाहुबली, बाहुबली 2 और आई जैसी फिल्मों के लिए एक्शन डायरेक्शन किया है, तभी तो इस फिल्म के सारे एक्शन सीक्वेंस की लोग तारीफें करते हैं। एंड यह वाला सीन भी हैदराबाद के उसी फिल्म सिटी का है, यहाँ जब छल्ला के लोग दुकानें बंद करवा देते हैं और तोड़फोड़ मचाते हैं, लेकिन उसी बीच अल्लू अर्जुन अपनी माँ के कहने पर दवाई लेने बाहर जाता है। तो देखिए इस वाले सीन की शूटिंग कैसे हुई थी। यहाँ आप ब्यूटीफुल लव नामक सॉन्ग का BTS देख रहे हो। इस वाले सॉन्ग का मैक्सिमम पार्ट कश्मीर के इलाकों में शूट हुई थी एंड इस सॉन्ग में हमें काफी प्यारे प्यारे लोकेशंस देखने को मिले थे, तो है ना माइंड ब्लोइंग शॉट। ये सूर्या द सोल्जर के क्लाइमेक्स का सीन है एंड इस वाले सीन की शूटिंग चेन्नई में हुई थी। तो देखिए मुस्तफा की मौत सूर्या के आंखों के सामने होती है, उसे छल्ला का बेटा गोली मार देता है, लेकिन सूर्या उस समय यह सब सहन कर लेता है क्योंकि वह 21 डेज चैलेंज कर रहा होता है, जिसके बाद ही उन्हें अपने पिता का सिग्नेचर मिलता। तो चैलेंज पूरा होने के बाद अल्लू अर्जुन सीधा मुस्तफा के घर चला जाता है, जहां छल्ला के लोग मुस्तफा के घर पर बुलडोजर चलाने वाले होते हैं और वहां के जो उनके घर के मेंबर है उनका सामान भी इधर उधर फेंकने लगते हैं। तो इस जगह पर काफी लंबा फाइटिंग सीक्वेंस दिखाया गया था, यानी ये जो क्लाइमेक्स का सीन था ये सबसे ज्यादा पावरफुल और बेहतरीन था। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस फिल्म में VFX और ग्रीन बैकग्राउंड के आगे का सीन नहीं है, यानी ऐसे सीन ना के बराबर है, और जितने भी सीक्वेंस हैं वो सारे रियल ही हैं। इस जगह पर यह वाला फाइटिंग शूट हो रहा है जहां वो अपने पैर से गुंडे को मारता है। यहां आप देख रहे हो कि इस सीन को एक क्रेन वाले कैमरे से शूट किया जा रहा है एंड सीन पूरा होने के बाद अल्लू अर्जुन खुद से भी अपने काम को देख रहे हैं। इस फाइटिंग सीक्वेंस में क्रेन वाले कैमरे के अलावा अन्य 7 हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए थे जो डिफरेंट एंगल को कवर कर रहे थे। तो हमारा ऐसा मानना है कि फिल्म मेकिंग इजी है, काश हम एक्टर बन जाते। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, केवल एक्टिंग करना था जिसके बदले नेम फेम पैसा लाइमलाइट मिलता और क्या चाहिए। लेकिन क्या आप इन एक्टर्स के हार्डवर्क को जानते हो? इसी फिल्म का एक सॉन्ग है लवर आल्सो, जिसमें कैप ट्रिक और कैप के साथ डांस दिखाया जाता है, जो कि काफी ट्रेंड भी कर रहा था। तो इस फिल्म में जो कैप ट्रिक दिखाया गया है उसकी शूटिंग सबसे लास्ट में हुई थी, यानी इस सॉन्ग की शूटिंग जिसके लिए अल्लू अर्जुन और बाकी बैकग्राउंड डांसर को 2 महीने इस कैप ट्रिक की प्रैक्टिस के लिए समय दिया गया था, जिसके बाद ही इसकी शूटिंग करी गई थी, क्योंकि यह एक ऐसा स्टेप था जिसके लिए ना तो आप डबल बॉडी या VFX यूज कर सकते थे। तो इस सॉन्ग से पहले गोवा का लोकेशन दिखाया जाता है, तो इस जगह पर इससे पहले वर्षा सूर्या को ब्रेकअप बोलती है, जिसके बाद लवर आल्सो सॉन्ग देखने को मिला था। तो इस वाले सीन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इस फिल्म की शूटिंग गोवा में चल रही थी, उसी दौरान अल्लू अर्जुन का एक CCTV फुटेज भी खूब वायरल हुआ था। एक्चुअली वह वहां यानी गोवा में बिना किसी बॉडीगार्ड के अकेले सड़कों पर दिखे थे। यहां आप देख रहे हो कि वह एक वाइन शॉप में खड़े हैं। दुकानदार ने ये CCTV फुटेज इंटरनेट पर अपलोड किया था। यहाँ उनके बीच का कन्वर्सेशन देख रहे हैं। एक्चुअली अल्लू अर्जुन इस वाइन शॉप में आते हैं एक फॉरेन ब्रांड की विस्की ढूंढने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वो रहती नहीं है। इस दौरान उन्होंने अपने कैरेक्टर यानी सूर्या की तरह आईब्रो और हेयर भी कट करवा रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी पिछली वीडियो की तरह इसे भी प्यार दोगे और अपने दोस्तों से शेयर करोगे। और हाँ, आपको किस मूवी के बारे में जानना है आप हमें कमेंट में जरूर बताना। जिसके कमेंट पर ज्यादा लाइक्स होगी हमारी अगली वीडियो उसी मूवी पर आएगी। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।